Hey, good morning guys, welcome back to the new vlog. Hope you all are doing absolutely good. तो अभी फिलहाल मैं शॉप पे जा रहा हूँ क्योंकि मेरे को लेने थे मखाने और मेरे को बड़े लोगों ने सजेस्ट किया, वैसे भी वो हेल्थी होते हैं बॉडी के लिए, तो वो लूँगा मैं. और फिलहाल मैं भैया को कॉल कर रहा था शॉप वाले को, तो अभी फिलहाल वहीं जा रहा हूँ मैं. सुबह सुबह ले आते हैं भाई, पहले वही चीज़ ले आते हैं और फिर देखते हैं बाकी काम को. फिलहाल ब्रश व्रश तो मैंने कर लिया, नहाना नूना. हेलो भाई साहब, तो भाषु भाई दुकान पर हम आ गए. दो हाउ आर यू देव जी, फोन किया जस्टिन सेकंड. ये गाइस पैकेट वैसे एक रोस्टेड नहीं देंदे, नमकीन नमकीन वाले भाई रोस्टेड नहीं देंदे, नमक होंदे ना, नमक होंदे वही तो बोला मैं वाले. तो गाइस ये पैकेट मैं घर पे लेके आ गया, पापा कह रहे हैं इनको रोस्ट करना, मैं कैसे खा लेंगे नॉर्मली. वैसे खाना आपने खाने रोस्ट करके आप खा लो, स्वाद स्वाद दिख दे, स्वाद थोड़ी देखना होता है ऐसे, तो नॉर्मल होता है इसमें नमक नमक भी नहीं होता कुछ भी, तो ऐसे देख लो बच्ची है. अभी खाने शाम को दे दूंगा, शाम ही देगा. तो भाई अब गाय को चपाती देने के लिए जा रहा हूँ, घर वाले भेजते मेरे को. आज तो गाय भी भाई पापा ने बहुत दूर बांधी है घर से. चलो मैं सही टाइम पे आ गया, ये तो बेचारी फंस भी गई है यहाँ पे, देखने इसकी रस्सी पूरी गोल गोल, इसको छुड़वा देता हूँ मैं साथ में लोगों को मत जाए. तो गाइस अपना ब्रेकफास्ट भी आ गया है, सब्जी रोंगी की साथ में घी की सब्जी साथ में रोटी है. मम्मी का फ़ोन भी आ रहा है भाई, उठाओ बने किसका है भाई. मैं तो सो गया था, अभी उठाऊँ, पौने तीन हो रहे हैं, अभी नहाया हूँ जस्ट, और अभी फिलहाल जा रहा हूँ धाम खाने के लिए. तो गाँव में भाई लगातार धाम है, आज भी धाम है, इसमें कल भी धाम थी, परसों भी धाम थी, कल भी धाम है. तो फिलहाल मेरी लिफ्ट है मेरे पास पास आ रही है, चलो भी आ रहे बड़ी मेहनत है यार, थैंक्स. तो गाइस यहाँ पे बनी हुई है धाम और अंदर खा रहे हैं भाई, हम तो ऊपर बैठ के खाएंगे, वहाँ पे पंखा भी चला हुआ है ना, तो वेट कर रहे हैं अभी तो खा रहे हैं फिलहाल. तो गाइस हमें तो मिल गई है भाई यहाँ पे जगह, लेकिन वहाँ पे भाई बहुत ज़्यादा भीड़ है, फटाफट बैठ गए हम खाने के लिए. तो गाइस धाम क्या हूँ, तो गैस धाम खा के भी घर पे आ गया, अभी काम करने लगा मैं शाम को. और भाई ये मेरे को नहाने दी थी बर्थडे पे कोल्ड कॉफ़ी, फिलहाल ये पीने लगा हूँ. 70 रुपये की जिंदगी में नहीं पी मैंने आज तक, नहीं पी है वैसे तो, वैसे बोतल वाली नहीं पी भाई 70 रुपये की, लेकिन जो हम बाहर पीते हैं वो भी 70 की होती है. तो बाकी फिलहाल अभी शाम को मेरे को एक शूट भी है, छोटा सा मुंडन सेरेमनी है शाम को और कल मॉर्निंग, कल दिन में, तो फिलहाल वहाँ पर जाऊँगा जब भी भैया की कॉल आएगी, तो फिलहाल चलेंगे, फिलहाल इतनी देर काम कर लेते हैं भाई और कॉफ़ी पीते हैं साथ में. वैसे गला ख़राब है मेरा बट पी लेते हैं, बड़े दिन हो गए भाई. तो गाइस अभी शाम के भाई 6:30 हो रहे हैं और फिलहाल मैं बाहर वीडियो अपलोड करने लगा हूँ, तो आज लैपटॉप से करना पड़ेगी क्योंकि मम्मी गए हैं मौसी के घर पे, तो फ़ोन लेके वो चले गए हैं, लैपटॉप से करनी पड़ेगी. और लैपटॉप से लगता है 1 घंटा क्योंकि नेटवर्क होता नहीं है यहाँ पे, बट करनी तो पड़ेगी भाई किसी न किसी तरीके से. तो फिलहाल ये करते हैं, और अभी तक मेरे को भैया की कॉल आई नहीं क्लाइंट की, जब आएगी तो फिर वहाँ भी चलेंगे. तो फिलहाल भाई ये करते हैं इतनी देर. तो अभी फिलहाल स्कूल ग्राउंड में जाने लगे हैं, और भाई कोई टाइम होता था कि 7:45 बजे घर को वापस आते थे लौट के, और अभी भाई 7:45 हो रहे हैं अंदर जा रहे हैं गर्मियों में, और अभी तो और ज़्यादा गर्मी आएंगी, 7:30-7:30 बजे हम अंदर जाया करेंगे और फिर लेट आया करेंगे क्योंकि अब अंधेरा लेट होता है. तो इस वजह से आज तो भाई कोई खेल नहीं रहा, खेल रहा है मेरे ख्याल से बॉल गुम हो गई है. 3 वहाँ बैठे हैं, 4 यहाँ बैठे हैं, बाकी वहाँ खेल रहे हैं भाई. मेरा मन भी कर रहा है यार खेलने का ना, बट खेल नहीं सकते यार, अपने लिए बेटर अगर नहीं खेलेंगे तो ठीक ही है. तेरे से उसकी बॉल खेली भी नहीं जानी थी, तेरे से इसकी बॉल खेली भी नहीं जानी थी. अच्छा रेंचू मार चक्का और सिंगल दे रहा उसको लास्ट बॉल पे, लास्ट बॉल पे सिंगल दे रहा है, दिमाग लगाया रेंचू. अच्छा भी है चल मैन विल बी मैन, मार विमान छक्का मार दे मिस. ओ नाइस मैन, रिकॉर्ड हो गया भाई. भाई टाइम देखना अभी क्या हो रहा है, रात के 10 बज रहे हैं अभी, और अभी मुझे आई क्लाइंट की कॉल, मेरे की कॉल कहते आ जा. मैं कहा ये टाइम देखो भैया 10 बज रहे हैं, मैंने तो चले जाना था, मैंने तो वैसे भी जाना था. मैं कभी किसी को मना नहीं करता भाई अपने काम के लिए, चाहे 2 मिनट का काम होता, बेशक 10 किलोमीटर दूर जाना पड़ता,
पर मैं चाहता भाई काम के लिए तो मैं सीरियस ही रहता हूँ। और भैया को कॉल आया, कह रहे आ जा। मैं कहा मैं समझा, मैं 10 बज गए तो कह रहे 15 मिनट का काम है। चलो कोई बात नहीं, मैंने खुद फ़ोन करके उनको कहा था 1 घंटा पहले, मैं भैया बुलाया नहीं आपने, तो कहते बता दूँगा मैं। चलो 10 बज गए तो फिलहाल मैं वहाँ पर जा रहा हूँ, अभी वहाँ पर करके आते हैं 10-15 मिनट का जो भी काम है। और भाई मेरा कज़न भी आया हुआ है घर पे, मसी का बेटा, मम्मी जहाँ पे गया वो यहाँ पे आ गया। फिर एक स्प्लेंडर मेरी लगी है, एक स्प्लेंडर उसकी है, डिस्कवर उसके आगे लगी है, तो मैं उसकी स्प्लेंडर लेके जा रहा हूँ क्योंकि इसमें लगा हुआ है वो सेल्फ, लाल लाल कलर का, किक नहीं मारना पड़ेगी, सही रहेगी, तो फिर मैं ये ले जाता हूँ। तो भाई ये है भैया का घर, बड़ा चेंज हो गया भाई, कितने दिनों के बाद मैं आया, मैं डूब गया मैं पीछे पीछे, मेरे को डर लग रहा है इसका। चलो जी फिलहाल चलते हैं अंदर। भाई दोबारा घर पर आया हूँ, फ्लैश लाइटें आ गई थी मेरे घर पर, ये भाग दौड़ लगी हुई है यार। मैं वहाँ पहुँचा और देखा फ्लैश लाइट तो है ही नहीं भाई। चलो वैसे मैं कर सकता था बिना फ्लैश लाइट के, मेरे पास दूसरी लाइट है एक, बट फिर उतनी ज़्यादा वो नहीं रहती ना इम्पैक्ट, काम करेंगे बढ़िया करेंगे। तो वैसे घर पे भी मैं आ चुका हूँ, टाइम 11:15 हो रहे हैं रात के, पास हो गए सोए ना भी आप कोई ना, ये सोए पापा सोए ना ये सोया भी। तो अभी टाइम 11:25 हो रहे हैं और भाई सब कुछ हो गया, दूध वगैरह पीना था, मेडिसिन खानी थी खा लिए, और क्या बोलना था मैंने। तो आज पता नहीं कितने दिनों बाद भाई घर पे व्लॉग एंड करने लगा होऊंगा मैं, नहीं तो जब भी बाहर रात को खाना खुना खाता था फिर लेटता था, फिर मन नहीं करता उठ के एंड करूँ। तो फिलहाल इस व्लॉग को एंड करते, भैया कह रहे सुबह 7:30 बजे आना, ब्रेकफास्ट वहीं कर लेना, तो देखते हैं भाई। सो गाइस इस व्लॉग को एंड करते, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।